अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी सऊदी अरब में आ गया हूँ और मदीने में मेरा आज दूसरा दिन है। मदीने की आप माशाल्लाह गलियाँ चेक करें, आप कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। आज ये सब लोग जा रहे हैं मदीने, हम भी चलते हैं मदीने आज फिर दोबारा। दुआ पेश सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुसलमान की परेशानियां मुश्किल दूर कर दे। और अभी हम मक्का नहीं गए, मक्का का हमारा सीन है, हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह एक दो दिन में या ईद के बाद भी, ईद के बाद। अभी जो है ना बहुत बहुत रश हो रहा है मदीने में, बहुत ज़्यादा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मदीने का नज़ारा, आप देखना माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह कितना खूबसूरत है और कितना रश है यहाँ पे, आप चेक करना। ये घड़ी चौक है, इसको घड़ी चौक बोलते हैं। यहाँ पे मैं बैठ के फ्री का नेट यूज़ करता हूँ, वाईफाई दोस्तों ने दिया हुआ है यहाँ पे, हॉटस्पॉट लेके। तो फिर मुझसे आज एक वीडियो अपलोड करके मैंने, नज़ारे चेक करें आप माशाल्लाह। सामने मदीना है और ये चेक करें आप यहाँ की करेंसी, ये 1 रियाल है और ये 2 रियाल है और ये 25 जैसे 25 पैसे होते हैं ना, ये वैसे ही है, लेकिन इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे दोस्त ने बताया था मगर मुझे याद नहीं आ रहा। सुबह सूट प्रेस करवाया तो 3 रियाल लिए यहाँ पे प्रेस के, एक सूट के। मॉल चेक करो माशाल्लाह, सुभानअल्लाह इतना खूबसूरत हो रहा है यहाँ पे मौसम, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब भी कोई परेशानी होती है या कुछ भी तो सुभान अल्लाह यहाँ आ जाते हैं, और मतलब जैसे मोबाइल को रीसेट करते हैं ना तो फिर नया हो जाता है, यहाँ भी ऐसे ही है। जितने गुनाह करो अल्लाह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं सारे माफ़ कर दूँगा। तो मदीने वाले के पास भी आए हम अपने नबी के पास, अल्लाह। ये देखें गेट नंबर 310, ऊपर अरबी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में। ये देखें सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। भाई रश चेक करें आप, जिस टाइम पे यहाँ पे नमाज होती है ना उस टाइम यहाँ पे जगह नहीं होती है, मतलब आने जाने की, सब लोग माशाअल्लाह से सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, मसरूफ़ होते हैं मतलब, और जगह नहीं होती है यहाँ पे। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और कितना माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह, फिर दुआ मांग के फिर हम जाएंगे आगे बाहर वापस। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वॉशरूम है नीचे, यहाँ लिफ्ट है, सही है, ये भी और ये भी और एक वो बना हुआ है, ये वॉशरूम है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे लिफ्ट है, लिफ्ट से आप नीचे जाओगे, नीचे वजू करने की जगह है और वॉशरूम भी है नीचे ही। और ये यहाँ पे उम्रे वाले मुसाफिर जो भी हैं यहाँ सब सो रहे हैं, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। देखें आप
अभी यहाँ बैठ के मैं दुआ करूँगा कि बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, बाहर जाते हैं। ये आ गए हम लोग लाल मस्जिद की पीछे वाली साइड में, ये देखिए आप चेक करें। इसके साथ जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो चेक करें आप, वो देखें काफ़ी तोड़ के अभी दोबारा बना रहे हैं यहाँ पे। और खामोशी कितनी है, मतलब एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा है इस जगह पे ज़्यादा, मतलब बहुत कम लोग आते हैं यहाँ से, ये आते जाते हैं बस। दुकानें बंद हैं, यहाँ पे सील करके गए हैं और कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए भी गए हैं। कबूतर चेक करें यहाँ पे, और ये आ गए हम लोग बिलाल मस्जिद। और यहाँ पे ये बाइकें हैं, ये ज़बरदस्त हैं, अभी जाएंगे अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। कल जब जाएंगे कहीं और घूमने के लिए, ज़्यारत के लिए सही है, तो फिर वीडियो बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह।